सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जी ये कहावत बिल्कुल भोजपुरी की जितने हीरोइन है, जितनी भी हीरोइने हैं उन पे सटीक बैठती है, खासकर काजल राघवानी पे। बता दूं कि काजल राघवानी आजकल फ्रंट फुट पे है और बिल्कुल खेसारी लाल की धजिया उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। लगातार एक के बाद एक दूसरे चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं और जो खेसारी लाल है उनके ऊपर आरोप लांछन क्या क्या नहीं लगा रही हैं। वहां पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया, तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है। जब मेरे पास उसका लाइव प्रूफ आया जो चीट करके अपने ऑफिस में किसी लड़कियों को बुला के रखता था या जो भी करता था उनके साथ फिजिकल होता था, तो लाइव प्रूफ मेरे पास आया तो वो उसका वीडियो बनाते थे, फोटो रखते थे, उनके रूम में कैमरा था तभी तो वीडियो बना था। प्रियो जो सच बात है वही बोल रही हूँ। उनका कहना है कि कुछ साल पहले तक, कुछ महीना पहले तक उनका खेसारी लाल के साथ में रिलेशन था, दोनों एक साथ रह रहे थे और खेसारी ने उनसे शादी का वादा किया था और सब कुछ किया, लेकिन बाद में वे मुकर गए। काजल राघवानी का कहना है कि खेसारी लाल हमेशा से उनका दो चार लड़कियों से रिलेशन रहता था और लड़कियों से अश्लील बातें करते थे, लड़कियों से अश्लील वीडियो कॉलिंग करते थे, उनके वीडियो अपने फोन में रखते थे। लेकिन तुम कहाँ तक सही हो? अब देखिए ये यही जो काजल राघवानी है, इनको पहले से मालूम था कि खेसारी लाल शादीशुदा है और एक बच्चे के पिता भी हैं। उसके बाद भी इनके संपर्क में आई, क्यों? इनको आगे बढ़ना था, इनको फिल्मों में काम चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए और इसके लिए इन्होंने हर कुछ किया और जाल में फंसाती गई खेसारी लाल यादव। नहीं, आई लव यू बोलो। आई लव यू। लव यू। लव यू। लव यू। लव यू। Love you, I love you। जय जय हो खेसारी। इनकी जानती थी कि इनका शादी हो चुका है और एक लड़की, जब लड़की को मालूम है कि सामने वाला लड़का शादीशुदा है फिर भी उसके साथ रिलेशन में आना, क्या मतलब कि साबित करना चाहती थी। और देखिए इस आप नीचे वीडियो में देखिए कैसे मतलब कि सरिया में एक दूसरे को किस, खेसारी लाल किस ले रहे हैं, किस कर रहे हैं, किस ले नहीं रहे, किस कर रहे हैं और ये भी सपोर्ट कर रही है, मजे ले रही है लाइव, सामने लाइव आकर। और आज ही कहती है कि खेसारी लाल ने इनके साथ गलत किया। तो भैया गलत खेसारी लाल ने नहीं किया, आपने गलत किया, गलत रास्ता आपने चूज किया। आई लव यू। तो ये तो हाल है भोजपुरी की जितनी भी हीरोइन है, अश्लीलता इनके अंदर है, हमेशा अश्लीलता फोड़ता करते रहते हैं और जब इनका काम नहीं बनता है फिल्मों के लिए हर कुछ कर लेते हैं लोग, किसी भी मतलब कि किसी भी हद तक ये चले जाते हैं और जब इनका काम नहीं होता है तो उसके बाद ये लोग हगना शुरू कर देते हैं। ये मतलब पहले क्या हुआ, अतिथि सारी बातें शामिल है, पहले तो ये घर के अंदर सब कुछ करते हैं फिल्मों के लिए और जब काम इनका नहीं बनता है तो फिर ये लोग हर चीज़ों को, घर की जो चीज़ें होती है, जो अंदर की चीज़ें होती है उसको बाहर ले आते हैं, हगना सरेआम शुरू कर देते हैं, गंद मचा रखा है इन लोगों ने।